हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ एडिक्शन। सो फ्रेंड्स, इंडियन एविडेंस एक्ट का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस किया ओवरव्यू ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोविजंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सो फ्रेंड्स, अगर आपने इस एविडेंस एक्ट की सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाइए, सबसे पहले जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको इसकी फर्दर सीरीज़ ही समझ में आएंगी। अदरवाइज इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू ग्रैप ऑल द थिंग्स इन द सीक्वेंशियल वे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रोविजंस के साथ। सो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने ये बात की थी कि एविडेंस एक्ट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट रेलेवेंसी की बात कर रहा था, सेकेंड पार्ट प्रूफ की, और थर्ड पार्ट उसके इफेक्ट और प्रोडक्शन की बात कर रहा था। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट वन, और पार्ट वन बात करता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स में। सो सेक्शन नंबर 1 to 55 टॉक्स अबाउट रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। तो चलिए अब इसकी प्रोविजंस के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी फर्दर सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सो फ्रेंड्स, अगर हम सेक्शन नंबर 1 की बात करें तो सेक्शन नंबर 1 टॉक्स अबाउट द शॉर्ट टाइटल, कि इस एविडेंस एक्ट को इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के नाम से जाना जाता है। एंड देन इट टॉक्स अबाउट द एक्सटेंट ऑफ द एक्ट। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सी द एक्सटेंट ऑफ दिस वेरी एक्ट। सो अगर इस एक्ट की एक्सटेंट की बात करें तो दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ये एक्ट पूरी इंडिया पर एप्लीकेबल होगा एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। लेकिन अब अगर रिसेंट अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग चले देन इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन जम्मू एंड कश्मीर। सो फ्रेंड्स, ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये इंडिया के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर पर भी अब एप्लीकेबल होगा। और अब देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हो सकता है। मतलब इंडियन टेरिटरी में होगा, दैट्स तो फाइन, लेकिन इंडियन टेरिटरी में कौन से एरियाज़ में, like, ये कौन से प्रोसीडिंग के एरियाज़ में, कौन से लीगल एरिया में ये अप्लाई होगा। सो इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो इंडियन एविडेंस एक्ट है इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट। मतलब ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये हर जुडिशियल प्रोसीडिंग पर लागू और अप्लाई किया जाएगा जो कि किसी कोर्ट में या किसी के कोर्ट के सामने चल रही है। सो इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इंक्लूडिंग द कोर्ट मार्शल्स। लेकिन जो कोर्ट मार्शल्स आर्मी एक्ट या नेवल डिसिप्लिन एक्ट के अंदर या नेवी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं या एयरफोर्स के अंदर रजिस्टर्ड हैं उन पर इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी नहीं मानी जाएगी। और साथ ही साथ दिस विल नॉट अप्लाई टू एनी ऑफ द एफिडेविट दैट इज़ प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर नॉट टू एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ एन आर्बिट्रेटर। मतलब ये एक्ट कोर्ट मार्शल जो आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट या नेवल या एयरफोर्स एक्ट में रजिस्टर्ड होगा ना ही उन पर लागू होगा, या ना ही ये उन पर लागू होगा जहाँ पर कोई आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेशन चल रही है, वहाँ पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं करता। और साथ ही साथ दिस विल नॉट अप्लाई ऑन द एफिडेविट्स, जो भी एफिडेविट्स कोर्ट पर प्रेजेंट किए जाएंगे उस पर इंडियन एविडेंस एक्ट विल नॉट प्रिवेल। सो दिस वॉज अबाउट सेक्शन नंबर 1, कि इस सेक्शन 1 में हमें ये पता लगा कि इस एक्ट को इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से जाना जाता है और ये एक्ट सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में लगेगा एक्सेप्ट इन सम ऑफ द कोर्ट मार्शल्स जो हमने अभी डिस्कस किए और आर्बिट्रेटर एंड द एफिडेविट्स। इन एरियाज में इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी नहीं मानी जाएगी। सेक्शन नंबर 2 इज़ बीन रिपील्ड। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 इट्स इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इसमें हमें कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं इस एक्ट के दौरान जिसे हमने स्टडी करना है। सबसे पहली डेफिनेशन है कोर्ट। सो फ्रेंड्स, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोर्ट क्या होता है ये बताया गया है। सो एज़ पर द प्रोविजन कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस, मैजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस। मतलब कोर्ट हम किसे कहेंगे? कोर्ट हम उसे कहेंगे जो जजेस, मैजिस्ट्रेट या किसी लीगल ऑथोराइज पर्सन के सामने चल रही है, जो एविडेंस लेने के लिए ऑथोराइज है। आर्बिट्रेटर्स को नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट वन इज, सो एज पर द प्रोविजन एनीथिंग द स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स और कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। मतलब किसी चीज़ का होना या ना होना, या फिर किसी चीज़ का किसी दूसरे चीज़ से रिलेटेड होना, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो हम अपने सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब सामने से कोई पर्सन क्रॉस कर रहा है, दिस इज़ अ फैक्ट, ये हमें कैसे पता लग रहा है? देखकर। हम अपनी आइज़ के थ्रू उसे देख सकते हैं, हम अपने सेंसेस के थ्रू उस
चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ समवन इज़ गोइंग थ्रू दैट एरिया. तो दिस इज़ व्हाट फैक्ट इज. एंड सेकेंड पॉइंट टॉक्स अबाउट एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, या फिर कुछ ऐसी बातें जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं हमारी इंटरनल फीलिंग्स के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल कि दो पर्सन बैठे हैं ए एंड बी, बी ए पर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो रहा है और गुस्सा कर रहा है, तो हमें ये चीज़ कैसे पता लगेगी कि ये क्या चल रहा है. हमें हमारे जो फीलिंग्स के साथ या अपने कॉन्शियस माइंड के साथ अगर हम पूरे ध्यान से उसे देखेंगे, उनके बिहेवियर्स को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें पता लगेगा कि जो बी है वो ए पर गुस्सा कर रहा है. सो दिस इज़ व्हाट द पर्सन कॉन्शियस परसीव्स. तो ये क्या था, फैक्ट. अब बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की, दैट इज़ रेलेवेंट. रेलेवेंट का मतलब जो चीज़ रेलेवेंट है, जो ऐसी चीज़ रेलेवेंट है जो किसी काम की चीज़ के साथ कनेक्टेड है. मतलब हमारे केस में जो भी चीज़ केस के साथ या फैक्ट के साथ रिलेशन में है वो चीज़ रेलेवेंट है. तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं. वन फैक्ट इज़ सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर व्हेन द वन इज़ कनेक्टेड विद द अनदर वन इन एनी वेज रेफर्ड टू इन दिस प्रोविजन ऑफ द एक्ट रिलेटिंग टू द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स. अब बोल रहे हैं कि हर वो फैक्ट रेलेवेंट है जो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स की प्रोविजंस के साथ ठीक तरह से फिट बैठ रहा है. तो हम अब ये जो फैक्ट्स की रेलेवेंसी है ये तो हम फिफ्थ के बाद पढ़ेंगे. सेक्शन नंबर 5 टू सेक्शन नंबर 51 रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स की बात कर रहा है. तो हर वो फैक्ट जो एक दूसरे फैक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्शन में है, और वो फैक्ट जिसके साथ वो कनेक्टेड है वो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स की प्रोविजंस में आ रहा है, तो वो फैक्ट हम रेलेवेंट मानेंगे. नेक्स्ट वन इज फैक्ट इन इशू. तो फ्रेंड्स फैक्ट क्या है ये तो आपको पता लग गया, अब फैक्ट इन इशू समझते हैं. सो फैक्ट क्या था कि जो चीज़ एक्चुअल में है उसे हम फैक्ट कहते हैं. लेकिन कई बार क्या होता है, जो चीज़ एक्चुअली में होती है एक पर्सन उसे एजर्ट करता है, मतलब बोल रहा है कि हाँ ये चीज़ है, और दूसरा पर्सन उसे डिनाई करता है कि ये ऐसा नहीं है. तो जो चीज़ इशू में है या जो चीज़ डिस्प्यूटेड है, जिस पॉइंट पर, जो एक ऐसा पॉइंट है जिस पर बहस चल रही है या जिस पे दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ प्रिवेल कर रहे हैं, दैट इज़ फैक्ट इन इशू. तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं. एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी एजर्टेड और डिनाइड इन एनी ऑफ सूट प्रोसीडिंग नेसेसरली फॉलोज. मतलब किसी भी सूट या केस में अगर किसी के राइट, किसी के लाइबिलिटी, किसी की डिसेबिलिटी या किसी फैक्ट के होने या ना होने को लेकर कुछ दावा किया जा रहा है या उसके अगेंस्ट बोला जा रहा है, तो वो फैक्ट इन इशू कहलाता है. मतलब अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान एक पार्टी बोल रही है कि ऐसा है या इसका राइट ये है या फिर इसकी लाइबिलिटी है, और वहीं दूसरी ओर दूसरी पार्टी बोल रही है कि ये फैक्ट ऐसा नहीं है, ये राइट इसका नहीं है या ये लाइबिलिटी इसमें नहीं बन रही है ऐसी, तो जिस भी पॉइंट पर वो राइट, नेचर या लाइबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ अ डिस्प्यूटेड पॉइंट, और उस डिस्प्यूटेड पॉइंट को हम फैक्ट इन इशू कहते हैं. सो फ्रेंड्स आई होप आपको फैक्ट इन इशू समझ आ गया होगा. एविडेंस एक्ट को कंटिन्यूटी में पढ़ने के लिए या अच्छे से समझने के लिए ये रेलेवेंसी, फैक्ट और फैक्ट इन इशू का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. तो चलिए आगे चलते हैं. दैट इज़ डॉक्यूमेंट. सो फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट का मतलब है कोई भी चीज़ जो एक्सप्रेस्ड या डिस्क्राइब हो रही है किसी चीज़ के थ्रू, किसी लेटर के थ्रू, फिगर के थ्रू, मार्क्स के थ्रू या किसी भी मीन्स के थ्रू, जिससे वो चीज़ एक चीज़ को डिस्क्राइब कर रही है, एक फैक्ट को डिस्क्राइब कर रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई प्रूफ हम पेश कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक विल की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कोई एक विल है, टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, किसी प्रॉपर्टी की विल है, अगर हम कोर्ट में वो प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज़ अ डॉक्यूमेंट, दैट इज़ अ डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो एक राइट को डिस्क्राइब कर रही है कि ये प्रॉपर्टी इस कंसर्न पर्सन का राइट है. सो दिस इज़ व्हाट अ डॉक्यूमेंट इज़. नेक्स्ट वन इज़ एविडेंस. तो फ्रेंड्स ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गई आप सबके लिए, क्योंकि हम सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट. तो क्योंकि हम इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ रहे हैं तो एविडेंस का मतलब नहीं समझ आया तो क्या समझ आया. तो चलिए देखते हैं कि एविडेंस क्या है. सो एज़ पर द प्रोविजन ऑफ दिस वेरी एक्ट,
एविडेंस दो तरह के होते हैं, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सो फ्रेंड्स, ओरल एविडेंस का मतलब है ऑल द स्टेटमेंट्स। अगर कोई भी स्टेटमेंट जो जज कोर्ट में अलाउ कर रहा है किसी इंक्वायरी के लिए या किसी मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज करने के लिए, या फिर कोई ऐसा विटनेस है जो कोई स्टेटमेंट दे रहा है कोर्ट में केस के रिगार्डिंग, तो उस स्टेटमेंट को हम ओरल एविडेंस कंसिडर करते हैं। और उसी ओर अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करें, तो कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या कोई भी चीज़ जो कोर्ट में प्रोड्यूस की जा रही है और जिसे इंस्पेक्ट किया जा रहा है कोर्ट के दौरान, तो उस चीज़ को हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये दो तरह के एविडेंस क्लियर हो गए होंगे, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस में हम विटनेसेस के स्टेटमेंट्स को कंसिडर करते हैं, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में हम डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को कंसिडर करते हैं जो इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट में प्रेजेंट किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज अबाउट एविडेंस। नेक्स्ट इज प्रूफ्ड। अब बात करते हैं प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड की। सो फ्रेंड्स, देखने में तो ये टर्म्स बहुत सिंपल और इंटर रिलेटेड लग रही हैं, लेकिन अब देखते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी बात है जो थोड़ी सी कई बार हमें एग्जाम्स में अक्सर कंफ्यूज करती है। पहले बात करते हैं प्रूफ की। अफेक्ट इज सेट टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट कोर्ट आइदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट और कंसिडर इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट इज प्रूडेंट मैन ऑट अंडर द सर्कमस्टांसिस ऑफ पर्टिकुलर केस टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन ऑफ दैट एग्जिस्ट। मतलब प्रूफ का अगर हम मीनिंग यहाँ से देखें, तो मतलब फैक्ट दैट कोर्ट बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट। जब कोर्ट किसी एविडेंस की एग्जिस्टेंस को मान लेती है और अपनी प्रोसीडिंग्स को ऐसे चलाती है कि जैसे सच में वो एविडेंस प्रिवेल कर रहा है या उसे मान्य मान लेती है, तो उसे प्रूफ्ड कहा जाता है। उसी ओर अगर हम डिसप्रूफ्ड की बात करें, तो डिसप्रूफ्ड का मतलब है जब कोर्ट किसी एविडेंस के एग्जिस्टेंस को डिनाई कर देती है। मतलब पूरी प्रोसीडिंग्स को और एविडेंस को इंस्पेक्ट करने के बाद कोर्ट कहती है कि भाई ये चीज़ ऐसी नहीं है, और वो उस एविडेंस की एग्जिस्टेंस को कैंसिल कर देती है या उसकी एग्जिस्टेंस को मानती ही नहीं है, और कोर्ट उसे लिख देती है कि इट डज़ नॉट एग्जिस्ट। तो इसे हम डिसप्रूव्ड कहते हैं। अब बात करते हैं नॉट प्रूव्ड की। अफेक्ट इज सेट नॉट टू बी प्रूव्ड व्हेन इट इज़ नीदर प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड। मतलब कि जब कोई ऐसा एविडेंस कोर्ट में अंडर प्रोविजन चल रहा है, जो अंडर कंसिडरेशन है, जो ना ही अभी प्रूव्ड हुआ है और ना ही अभी डिसप्रूव्ड हुआ है, मतलब ना ही कोर्ट ने इसकी एग्जिस्टेंस को मान लिया है और ना ही कोर्ट ने अभी इसकी एग्जिस्टेंस को डिनाई किया है, इस सिचुएशन में हम उसे नॉट प्रूव्ड कहते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ नॉट प्रूव्ड। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 4 की ओर। सेक्शन नंबर 4 टॉक्स अबाउट प्रिजम्पशन। सो फ्रेंड्स, इसमें इन्होंने प्रिज्यूम में तीन तरह के प्रिजम्पशन बताया है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। तो चलिए अब समझते हैं मे प्रिज्यूम क्या है, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ का मीनिंग क्या है। सो फ्रेंड्स, हम सबको ये तो पता होगा कि मे और शैल में क्या डिफरेंस है। मे में कोर्ट की डिस्क्रिशन आ जाती है, उसकी अपनी मर्जी होती है डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स, और शैल में कोर्ट के ऊपर बाउंडेशन होती है, उसकी ड्यूटी होती है, दैट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द कोर्ट। सो मे प्रिज्यूम का मतलब है कि जब कोर्ट के पास ऑप्शन है कि वो किसी भी एविडेंस को प्रूव्ड कंसिडर करेगी जब तक वो डिसप्रूव्ड नहीं हो जाता। सो जब कोर्ट के पास इसको डिसाइड करने का पूरा पूरा अधिकार है और उसके पास अपनी ऑप्शन है कि जब तक उसे डिसप्रूव नहीं किया जा रहा, वो उसे प्रूव ही कंसिडर करेगा, दैट इज़ मे प्रिज्यूम। लेकिन अगर हम शैल प्रिज्यूम की बात करें, तो इसमें कोर्ट की ड्यूटी है कि वो एक एविडेंस को प्रूव्ड मानेगा जब तक वो डिसप्रूव ना हो जाए। तो बात इसमें मे प्रिज्यूम की ही है, लेकिन मे में उसमें उसकी डिस्क्रिशन थी जज की कि उस पर ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन उसकी डिस्क्रिशन है कि वो इसे प्रूव मान भी सकता है या नहीं भी। लेकिन शैल प्रिज्यूम जहाँ पे आ गया, वहाँ पे कोर्ट के पास ऑप्शन नहीं है, कोर्ट की ड्यूटी है कि जब तक एक कंसर्न्ड एविडेंस डिसप्रूव नहीं हो जाता, तब तक वो उसे प्रूव्ड ही कंसिडर करेगा। आई होप आपको शैल और मे प्रिज्यूम का डिफरेंस पता लग गया होगा। अब बात करते हैं कंक्लूसिव प्रूफ की। सो फ्रेंड्स, कंक्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो ये कि जो डिसप्रूव नहीं किया जा सकता, उसे हम कंक्लूसिव प्रूफ कहते हैं, मतलब अल्टीमेट प्रूफ। और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये भी बात बोली जा रही है कि अगर कोई ऐसा एविडेंस या कोई ऐसा फैक्ट है
जो एक ऐसे फैक्ट के साथ या ऐसे प्रूफ के साथ जुड़ा है जो खुद में एक कंक्लूसिव प्रूफ है, तो उस फैक्ट को हम कंक्लूसिव प्रूफ ही मानेंगे और प्रूव्ड मानेंगे, उसको भी हम डिसप्रूफ नहीं कर सकते। सो इफ एनी फैक्ट इज़ इन रिलेशन विद द कंक्लूसिव प्रूफ, इट कैन नॉट बी डिसप्रूव, इट शैल बी कंसिडर्ड एज प्रूफ। इट शैल बी मतलब यहाँ पे कोर्ट की ड्यूटी है कि कंक्लूसिव प्रूफ के साथ जुड़े हुए फैक्ट को वो प्रूव्ड ही मानेगी। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द डेफिनेशन क्लॉज एंड सेक्शन नंबर 4। अब बचा हमारा सेक्शन नंबर 5, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी सेक्शन 5 ऑनवर्ड सेक्शंस, जिसमें हम रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, गो एंड हिट द लाइक बटन, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग लॉ एडिक्शन, एंड स्टे ट्यून्ड विद लॉ एडिक्शन।